जा रहे हैं अब राम झूला सारा घूमने के बाद मिट्टी में खेलने जा रहे हैं और मिट्टी में खेलने जा रहे हैं हम। और हमने सोचा चलो राम झूला भी चला जाए। अब हम जा रहे हैं राम झूला नहीं, हाँ हम मिट्टी में खेलने जा रहे हैं। तो आपको राम झूला के और मिट्टी के दर्शन कराते हैं ना गिट्टू। ये है राम झूला। और राम झूला और लक्ष्मण झूला में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो लक्ष्मण झूला है वो बिल्कुल स्ट्रेट बना हुआ है, ये थोड़ा सा ऐसे है और वो थोड़ा कंजेस्टेड इलाके में है, मतलब बिल्कुल एक सिटी के बीच में है जहाँ पर दुकानों के बीच में से ही स्टार्ट करना पड़ता है और ये बड़ा ओपन में है। ये है राम झूला, ये काफ़ी बड़ा है लक्ष्मण झूला से और हवा बहुत ठंडी चल रही है यहाँ पर। लक्ष्मण झूला से लगभग 2 किलोमीटर दूर ये राम झूला है, लक्ष्मण झूला से बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। इस पर आप इसकी वो देख सकते हो तारों में जो मजबूती बनाई गई है इसकी। और इस झूला पर आपको बाइक भी अलाउ है, बाइक स्कूटर ठेली आप इस झूला के थ्रू मतलब क्रॉस कर सकते हो। और ये वैसे लक्ष्मण झूला से बहुत ज़्यादा सुंदर है। अरे मैं किट्टू को लेके जा रहा हूँ, किट्टू जरूर देखो कैमरे में हाय करो। हाय हाय, किट्टू बहुत खुश हो रहा है। ये ये किट्टू बैठा हुआ है और ये है राम झूला के साइड का व्यू। यहाँ बैठने के लिए भी अच्छा बनाया हुआ है। और ये लक्ष्मण झूला से बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर बैठने के लिए भी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर आप प्रकृति को निहार सकते हो। अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये किसकी गाड़ी आ रही है भाई? अगर आना हो तो आप पहले यहाँ राम झूले ही आइए क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा अच्छा है और हाँ और यहाँ का प्रकृति को निहारने के लिए अच्छे यहाँ पर चेयर वगैरह बनाई हुई है, भीड़ भी कम है यहाँ पर। लक्ष्मण झूला में थोड़ा क्राउड ज़्यादा कंजेस्टेड ज़्यादा है तो आप यहाँ आना ज़्यादा प्रेफर कीजिए। भाई हमारी गाड़ी वहीं तो चल रही है। हाँ हाँ वहीं चल रही है, वहाँ से हम यहाँ आए हैं। देखो किट्टू ने सुबह से ही रट लगा रखी थी कि मिट्टी में खेलना है, मिट्टी में खेलना है, क्योंकि कल भी ये वहाँ पर मिट्टी में खेली थी लक्ष्मण झूला पर गंगा नदी के किनारे। तो इसको फिर मैं राम झूला इसीलिए हम आना पड़ा हमें कि इसको मिट्टी में खेलना था। किट्टू का बहुत ज़्यादा मन था मिट्टी से। किट्टू यहाँ खेलो, ये रही मिट्टी, ये रही। ये किट्टू के लिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी खोद दी है, अब ये मज़े से मिट्टी से खेलेगी। सुबह से ही इसने रट लगा रखी थी कि मिट्टी में खेलना है, मिट्टी में खेलना है। तो इसीलिए मैं उसको वहाँ से चलता हुआ पैदल लाकर, उधर जाते तो अच्छा घाट था, इधर लाया हूँ, इधर से यहाँ से आकर और फिर मैं यहाँ इसको मिट्टी में खिलाने लाया हूँ। और ये सुंदर नज़ारा प्रकृति का कभी कभी देखने को मिलता है। कभी भी आओ तो ऐसे भागा दौड़ी में मत आओ कि राम झूला देखा और भाग गए, आराम से आओ, इन्जॉय करो, पानी के साथ खेलो, थोड़ी देर बैठो किनारे पर।
चलो चीज़ों को ऑब्जर्व करो और जो सुंदरता है उसको महसूस करो, क्योंकि भागा दौड़ी तो आपके शहर में बहुत जाती है, उसी से बचने के लिए आप यहाँ आते हो और यहाँ आके आप ज़्यादा भागा दौड़ी करते हो मेरे हिसाब से। तो आराम से रुक के बैठना चाहिए शांति के साथ और फील करना चाहिए कि हाँ यहाँ की सुंदरता जो है। अब ये जो पेड़ हैं इसमें मैं शायद इतना सुंदर नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ये पेड़ बहुत ही अच्छे सुंदर दिख रहे हैं वैसे ग्रीन कलर के। ओलो ये तो मुंह धोला है, अरे ये तो बड़ा हो गया ये तो, ये कैसे मुंह धोला है, बस कि तू बस ठंडा पानी है। मम्मा का दे दो प्रसाद, मम्मा को प्रसाद दे दो थोड़ा सा। तुमने हंसी लगा दी, मुझे हंसी नहीं आ रही। किटन नहीं, गंदी बात बेटा। पापा को भी दे दो थोड़ा सा प्रसाद। नहीं पापा हैं। ये है राइट हैंड पर, हाँ तो कितने कर रहे हो तुम, मनसा देवी, और ये है लेफ्ट हैंड पर चंडी देवी, ये पेड़ों के पीछे छिप गई हैं अभी। व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने व्यू को छोड़कर लोगों को व्यू दिखाना पड़ता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करें। थैंक यू। Sweetheart.